हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बैंगलोर में मोर नेक्स्ट डे मॉर्निंग रो, तो मुझे आपण मन साइ कथा होची। तो देखंतो व्यूटा केते सुंदर लागुची। मो एबे ठिया हिची आसिकी बालकनी रे, जोटा कि मोर फेवरेट प्लेस एटा सबुठु। तो बहुत भल लागुची, केते दिन पर आसिथि मु कालू दे, माने पूरा क्लाइमेट देखंतो केमतिका। तो पूरा खरा होची एक्चुअली, आज 7टा रो एंती खरा हेगलानी। केबे केबे वर्षा पाग थौची नेबेबेरी रखुची, किंतु आज पूरा खरा हेची। बहुत बढ़िया लागुची, सकाल सकाल आसिक ठिया हेची जे। तो एबे तो माने ब्रेकफास्ट टाइम होउची, कारण ब्रेकफास्ट बना हबो। तापर आमे टिके जिबो बाहर को, माने परिया हरिका आनिक आसबू, कारण परिया हरिका एते किछि नाही। तो जाइकी फ्रेश परिया सकाल सकाल मिलियो, तो नेइकी आसिबू। हजबैंड कौन करछन्ती, तो ये देखु हजबैंड शोइछन्ती कमाउ पूरा। तो ताकू उठेबी मु एबे। ए उठु ना जिबा, निद भांगी पूरा आगे निद्रावती उपाय पूरा भल कमल गुड़ी से शो पड़े। सो ए तो मैंने पग एम शोया भी मन हम। तो देखु आम पूरा बालकनी क्लाइमेट कमी बहुत बढ़िया लगुच। तो चलतु ब्रेकफास्ट बनिया खाइबा, तापर जीवन गाइज। मोर तो घर पोछा आ घर ओला सब सरीगला। सो एबे मु आसली टिके ब्रेकफास्ट बनैया को। तो आज मु ब्रेकफास्ट रे बनेबी चूड़ा पोहा। तो केबेडु बनै नथिली चूड़ा पोहा, सो फाइनली आज मु बनौची। आउ कोबी हरिका माने पत्र कोबी टिके पकेबी, प्याज हरिका पकेई कले बहुत टेस्टी लागुची। गाइस, तो आमर एबे ब्रेकफास्ट सरी वाला। तो एठ रहले हस्बैंड सोई उठिले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आउ ने तमो केमती लागछि? आमर एबे टी पे चालछि ब्रेकफास्ट परे, कारण टिके ठंडा लागछि। तो सकाल सकाल टिके चा पिउछु सेति पई। तो एक्चुअली हस्बैंड कहले तो से कतले कुडिया पुना त तांकर गणी मु चा पिया रे। तो चालछि चा पिया पी। तो आउ केमती लागछि तमको खोल तो बढ़िया टी शर्ट पिंधि बस थंडा लगुच चल क्या तो चलतु चा पीवा पर कथा हम। सो गाइज एबे टाइम होगलानी 10टा, तो आम एबे जाऊचु परिया आनिया को। तो सब बैग फैग नहीं चलुनी बाहर। तो चलतु जीवा एबे परिया आनिया, तापर आसिले काम निश्चय कम करबा। सो फ्रेंड्स, एबे आसिकी आम रिलायंस स्मार्ट रे पहुँची गलुनी, जोठू कि आम परिया आणुचु। तो यहाँ टी आम घर ठू पाख हो, तो यू भी केबे केबे परिया नहीं जाऊँ। आ बहुत बढ़िया जिनस भी ये मिलूँ, पूरा फ्रेश परिया मिलूँ। तो से आम सका सका बाहर की सब बड़े जाऊ हेरी, आउ परिया पूरा गोटे हप्तापाई नहीं पलि आसु। सो गाइज एबे जस्ट आसिकी घरे पहुँचली, आउ टिके हाथ गोड़ धोईकी आपण मन साइ कथा हो। पूरा हालिया होगली, तो मुझे बसी पड़ी, तो बहुत गरम लगुची भी। एक्चुअली बहुत सारा जिनस किणिली, टिके लेट हो गला से। बहुत बढ़िया बढ़िया भी जिनस आनी, जोटा कि आपण मानक मुझे देखेबी। पर तो आनी से निहाती दरकार, कारण मुझे पूरा गोटे हप्तापाई आनची हेरी। हजबैंड काम था ऑफिस काम, तो सी आ बार बार जीवा इच्छा होनी एक थे। सो चलतु कौन सब जिनस आनी देखा।
ଚାଲି ଏଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବାଉଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ପୁରା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଏମିତି ଭିତରଟା ପୁରା, ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ୟାର ରେଟ୍ 59 ରୁପିଜ୍ର ଏଇଟା, ଆଉ ଦୁଇଟା ପୁରା ଏକା ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଆଣିଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଆଣିଛି, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଏଇଟା ତା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ରେଟ୍, ବାଉଲ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସିକ୍ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଟା ଆର ରେଟ୍ ହେଉଛି 39 ରୁପିଜ୍, ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏଇଥିରୁ ବି ମୁଁ ସେମ୍ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ପୁରା ସେଟ୍ କରିକି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବି, ଆଉ ରଖାରଖି କରିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ସୋ ଏଇଟା ଆଣିଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଏବେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିବୁ, ଯାଉଛି ମୁଁ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକିରି ଆସିବି, ତାପରେ ଲଞ୍ଚ କରିବି। ତ ଟିକେ ବାସନ ଥିଲା, ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିସାରିଲି, ତ ଆଜି ମୁଁ କରିବି ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ଚଣା ଯେଉଁଟାକି ଗଜି ବୁଟ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଏଲ୍ ରାତିରେ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲି, ଆଜି ତରକାରୀ କରିବି। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ଏ ତରକାରୀଟା, ମୋ ନଣନ୍ଦ, କାରଣ ମୁଁ ଆର ତରକାରୀ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପଚାରିଲେ ତୁ ଖାଇଛୁ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି, ତ ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ କରିକି ଆଜି ଖୁଆଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବୁ। ତ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏଇ ତରକାରୀଟା ସିଏ ଶିଖିଛି, ତ ଆଜି ବନେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ତରକାରୀଟା ସେୟାର କରିବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦି ପକେଇକି ଟିକେ ସିଝେଇ ମାନେ ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ରଖିଦେବି, କୁକର୍ରେ ପକେଇକି ଯିବି। ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଇଠି ପୁରା ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ ଗାଧୋଇକି ଆସି ପୂଜାରେ ଲାଗିଗଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ପରିବା ହେରିକା ମୁଁ ରଖିଦେଲି ଭିତରେ, ତାପରେ ନହେଲେ ବନ୍ଧିଆ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ତ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ରଖାରଖି କରିଦେଲି। ତ ସିଏ ଏବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିରି ଆସିବି, ଏଇଟା ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଯିବି କୁକର୍ରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲେ ପରେ କଥା ହେବି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲି, ତ ମୋର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା, ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା 11:45, ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଯାଉଛି ଲଞ୍ଚ କରିବି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ବଏଲ୍ କରିଦେଇଛି ପୁରା ସିଝେଇକି ଯାଇଛି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସିଝା ଆଳୁକୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରାଉନ୍ ଚଣା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ପିଆଜଟା, ପିଆଜ ରସୁଣ, ତାପରେ ବନିଆ। ସୋ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜଟେ ନେଇଛି, ଆଉ 10 ଗୁଳା ଖଣ୍ଡେ ରସୁଣ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଛୋଟ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ନେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚିବି, କାରଣ ମୋତେ ଟିକେ ହେମଦସ୍ତା ସେଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚିକି। ଏବେ ମସଲା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପିଆଜ ଟିକେ ଅଧା ଛେଚା କରିବେ, ପୁରା ଛେଚିବେନି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏବେ କରେଇ ବସେଇଲି, କରେଇ ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତେଲ ପକେଇଲି, ତେଲ ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯୋଉ ରଖିଥିଲି ପିଆଜ ସବୁ ପକେଇଲି, ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏ। ଏବେ ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ସବୁ ସବୁ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ କଭର କରି ରଖିଦେବା, ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ କଭର କରି ରଖିଦେବା। ସୋ ମୁଁ ଏଇଠି କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତରକାରୀରେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିବ ବୋଲି। ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ପକେଇଲି, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପକେଇଲି ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ ପକେଇଲି, ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବି ତା ସାଙ୍ଗେ 1 ଚାମଚ, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକେଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏଇସବୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ମସଲାରେ ପାଣି ଦେଉଛି, କାରଣ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଭଲରେ ଟିକେ କଷିଦେବା, କାରଣ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମସଲା ଯଦି ଭଲରେ କଷି ହେଇଯିବ। ସୋ ଏବେ ପୁରା ମସଲା ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବଏଲ୍ କରି ରଖିଥିଲି ଗୋଜି ବୁଟକୁ ଆଳୁ ସିଝା, ତାକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି, ସେଥିରେ ପକେଇକି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଭଲରେ ଚକଟି ଦେଲି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି, ତ ତାକୁ ପୁରା ଆମେ ତରକାରୀରେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏବେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି ତରକାରୀ। ତ ଏଇଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ କାଟିକି ଚପ୍ କରି ରଖିଥିଲି, ତ ସେସବୁ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ପକେଇକି ଭଲରେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ସର୍ଭ କଲାବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ମିକ୍ସ କରିକି ସର୍ଭ କରିବା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇ ତରକାରୀଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।
सरीगलाणी तो हस्बैंड ऑफिस काम बस पड़े आ मुझे भाविली आपे कथा आज खाया बहुत टेस्ट लगला कारण मुझे गजीबुट तरकारी करी हस्बैंड को भी बहुत पसंद आसला तो दीदी ठूँ मुझे रेसीपीटा शिखी दीदी तो साधार करते मु पियाज रसुण करी सो गाइज बहुत यमी थी सो एमती आज तीन टा पलैला आउ पूरा तीन टा आज बाजिगला अलरेडी सो एसिक आपे मुझे कथा सो गाइज मत रिसेंटली मत व्यूअर्स पचारे दीदी आपड़ कौ शैम्पू यूज करते जन व्यूअर्स भी मतलब कमेंट लिखी है डैंड्रफ हो हेयर ग्रोथ हो तो से सब प्रॉब्लम रो छुटकारा पाइबापी मुझे आपं गोटे बहुत बढ़िया जिनस नहीं आसी सो चलतु से विषय में मुझे सेयार कर सो गाइज मोर तो प्रीवियस ब्लॉग रे आपण माने देखिथिबे मु आपण मन संगे गोटे मार्स बाय जीएससी रो गोटे ओनियन वाला हेयर ऑयल विषय रे शेयर करथिली सो सेई सेम ब्रांड रो मु आज आपण मन संगे शेयर करची मार्स बाय जीएससी रो ग्रो बी हेयर नर्सिंग शैम्पू विषय रे जोडा की मो पे बहुत भलो हेल्प करूची मु एटा बे यूज करूची आ यूज कला परे मते तार फरक भी जणा पडूची सो गाइज एटा बहुत बढ़िया शैम्पूटा कारण मुझे टू मंथ है यूज करुच्ची तो भल लगुच यूज कला फ्रेंड्स एन टा पूरा मेन इनग्रीडियंट मिसा अच्छी से गुड़िक आलोवेरा एक्सट्राक्ट अच्छी आर्गन ऑयल अच्छी कैफ्रीन अच्छी सो गाइज एटा सब नेचुरल जिनस सो एटा हेयर पे बहुत हेल्पफुल थाए तो फ्रेंड्स एथरे जो कैफिन अच्छी सेटा होची एथरे मेन इंग्रेडिएंट आ सेटा हमरो हेयर ग्रोथ करिवारे हेल्प करथाय आ एलोवेरा एक्सट्राटा हमरो स्काल्प को क्लीन रखिवारे हेल्प करथाय ता सहित एथरे जो आर्गन ऑयल मिसा अच्छी सेटा हमरो हेयर को आ स्काल्प को मॉइश्चराइजर करिवारे हेल्प करथाय आ ता सहित हमरो डैमेज हेयर को प्रोटेक्ट मध्य करथाय सो गाइज यार पैकेजिंग टा देखंथु केते बढ़िया पैकेजिंग टा हेची आ एटा आ भितरे गोटे बॉटल टे अछि सो एटा होची ब्लैक एंड व्हाइट रो कॉम्बिनेशन है जी बॉटल टा देखंथु केते क्यूट लागु जी पूरा बहुत सुंदर बॉटल टा है जी आउ ता सहित एटा गोटे प्लास्टिक बॉटल टा सो गाइज एठी आपण माने ओपन करियाउ थिले एठी प्रेस लेखा है जी देखि पाउथिबे तो एटा को एंती प्रेस करले एठी ओपन हैला तो ए पटे एंती आपण माने शैम्पू काढ़ी पारिबे आउ एटा को जदि आपण माने प्रेस कर देबे तो एटा क्लोज हे गला सो आराम से एटा ट्रैवल फ्रेंडली आपण माने जुआर मन सेडे नेगिरी जाई पारिबे सो गाइज एथिरे किछि भी केमिकल मिसा नाही जेंती कि पैराबिक सिलिकॉन सल्फेट सो आपण माने एटा समस्त यूज करि पारिबे आउ एटा होची मेन आउ वुमेन दिजन को पई सो गाइज से आपण मन तो बहुत बढ़िया फायदा हला आउ जार हेयर ग्रोथ रो प्रॉब्लम थी तार सॉल्व हो गला आउ आपण माने निहाती एटा यूज करंदु आर लिंक टा मु तळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे देजी आपण माने सेठी जाई के आराम से किनी पारिबे सो गाइज आपण माने शैम्पू टा निहाती यूज करंतु आउ यूज कला परे मते कमेंट रे लेखि छाडंतु केमती कोन फरक पड लागि नाय बोली सो गाइज एबे टिके मु जाउ छी रेस्ट करबी डायरेक्ट मु इवनिंग रे आपण मन संगे कथा हो जी हेलो गाइज गुड इवनिंग एवरीवन तो एबे हमारे वर्षा हो जी तो हस्बैंड इच्छा थिला टिके पकोड़ी खाया को कारण वर्षा पागर तो पकोड़ी रा मजा बहुत बढ़िया लगे तो से मुझे पकोड़ी बनाऊँगी आउ प्याज बेसन रा पकोड़ी आउ किछि भी नाही तो बहुत टेस्टी लगे सो चलंतु पकोड़ी एबे बनेबा सो फ्रेंड्स मुझे जीरा गोटे चामच पकईची आउ टे हल्दी आ लुण स्वाद अनुसार पकेबे आ बेसन जी दरकार अच्छे से अनुसार मैंने देखिकी पकेबे आगे टी लंका गुंड पकईची आउ टे चिकेन मसला टी गरम मसला भी पकईची बहुत यमी यमी टेस्टी टेस्टी लगे पकोड़ीटा सो फ्रेंड्स आमे माने बसिकी पकोड़ी रो एंजॉय नौचू सो गाइज आपण माने भी घरे तैयारी करंतु आ पकोड़ी रो मजा उठांतु
सो मुझ आज भिडियोटा को ये एंड करदे आगू को बढ़ोनी सो गाइज आ गोटे नेक्स्ट भिडियो मुझे देखा भी रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ बाय बाय।